बड़वारा क्षेत्र में आगजनी का एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां एक साथ चार गांव आग की चपेट में आ गए और 200 एकड़ में फैली गेहूं की फसल जलकर खाक हो गई। दरअसल बड़वारा तहसील क्षेत्र के महगवा ग्राम में दोपहर अज्ञात कारणों से आग लग गई। देखते ही देखते आग इतनी तेजी से फैली कि बरछेका ग्राम से लेकर निगहरा गाँव और सिजहनी गाँव तक लहलहाती गेहूँ की फसल जलकर खाक हो गई। घटना की जानकारी ग्रामीणों ने प्रशासन को दी। जानकारी लगते ही पुलिस और राजस्व विभाग की टीम और बड़वारा विधायक मौके पर पहुंचे। फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पाया गया। बड़वारा ब्लॉक में निगहरा ग्राम पड़ता है, वहां पर आगजनी हो गई है, जिस समय बहुत से किसानों की फसल जो है खड़ी फसल जल गई है, किलोमीटर में फसल जली है। मुझे जैसे ही जानकारी मिली तत्काल मैं निगहरा ग्राम पहुँचा वहाँ पर, और किसान लोग पूरी ताकत से लगे थे बुझाने के लिए। वहाँ सैकड़ों की तादाद में लोग इकट्ठा थे और लोगों को चिंता इतनी थी कि किसी तरह हमारी फसल बच जाए। कुछ लोगों की तो ये स्थिति थी कि फसल काट के रखे थे, उसमें भी आग पकड़ ली। तो उसमें चार गांव चपेट में आए हैं, जिसमें महंगा भी है, निगहरा है, और बाजू से जो लगे गाँव जराहोगढ़ क्षेत्र के, वो भी गाँव चपेट में आ गए हैं। कुछ लोगों की स्थितियाँ ऐसी हैं कि जो ज़मीनों को दूसरों के लेकर और फसल तैयार किए थे कि अपने परिवार को पालने के लिए, तो वो लोग बेचारे बहुत दुखी थे, बहुत रोग आ रहे थे वहाँ पर। तो मैंने तहसीलदार मैडम को तत्काल अवगत कराया और मैडम पहुँची वहाँ पर, पटवारी भी पहुँची। तो हमने मैडम से बोला है कि आप इसमें जो गरीबों का जितना बेहतर से बेहतर सहयोग कर सकते हैं, तो उनके लिए आप सहयोग करें, जिससे उनका परिवार जो है वो मतलब खाने पीने की उनकी कोई तकलीफ ना हो, उनकी व्यवस्था बनी। किसान राम निवास राठौर के मुताबिक इस आगजनी की घटना से लगभग 200 एकड़ में लगी फसल जल चुकी है। बताया जा रहा है कि इस आगजनी की घटना में लगभग 50 से 60 किसानों की फसलें चपेट में आई हैं। हालांकि प्रशासन इस घटना की चपेट में आए हुए किसानों को मुआवजा देने की बात कह रहा है। कम से कम 200 एकड़ में तो लगी आग, कम से कम 50-60 लोग तो लगभग किसान है। तो अब ये पता नहीं है कि कौन लगाया, कहाँ से लगी। अपन ने देखा तो महंगवा हार से लगी है आग, तब इधर से देखे तो दौड़ के गए, तो कंट्रोल करते करते नहीं हो पाई। लगभग हमने कोशिश किया तो गाड़ी को बुलवाया तो आई गाड़ी, लेकिन तब भी कंट्रोल नहीं हो पा रही। काहे की फसल लगी थी ये? गेहूं की फसल थी। किसी का कट चुका था, किसी का नहीं कटा था। मान लीजिए लगभग थोड़ा मोड़ा कटा है, लेकिन किसी के बोझा डले थे तो सब राख हो गए। किसी की खरही लगी थी, इकट्ठा हो गए थे, कर दिए थे लोग, लेकिन कुछ नहीं बचा, सब राख हो गया। फिर कैसे आग में काबू पाया गया? आग में काबू पाई गई गाड़ी द्वारा। अच्छा। आई गाड़ी बुलवाए। थाना बड़वारा से फाइव गेट 11 FRB 11 से हूँ। मेरा नाम अखिलेश दीक्षित है, वरिष्ठ आरक्षक पद पर मैं पदस्थ हूँ। मुझे इवेंट के माध्यम से एक कॉलर ने सूचना दी कि भीषण आग लगी हुई है, और जैसे ही हमको सूचना मिली, हमने कंट्रोल के माध्यम से कटनी कंट्रोल से फाइव गेट को सूचना मिली। तत्काल वो जैसे ही वो मझगमा पहुँचे, हम लोग भी मझगमा पहुँच के साथ साथ फाइव गेट के लेके आए, और आकर मौके पे जब देखा तो भीषण आग जल रही थी। उस पर कंट्रोल जैसे वैसे गाँव के सहयोग से और फाइव गेट के सहयोग से हम लोगों ने काबू पाया।